सीरियल जीजी माँ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट कहानी में आ गया है। दरअसल फाल्गुनी बच्ची बन गई है और वो उत्तरा देवी को खूब परेशान कर रही है। चलिए पूरा सीन जानते हैं। कहर आ गया, इस बार किसी ने कुछ नहीं किया है, मेरी सासू माँ ने भी कुछ नहीं किया इसमें। ये सिर्फ भगवान का खेल है जो उन्होंने मुझ पे बिजली गिरा दी है और बिजली से मेरे दिमाग में असर पड़ गया और मैं 5 साल की बच्ची बन गई हूँ। तो हाँ, नाउ आई एम अ किड। हेलो। पर ये क्या, अभी तो आपकी और सुरेश की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी और फिर आप दोनों के बीच दूरियां आ गई। हॉस्पिटल में यही हो रहा था। अभी उत्तरा देवी को पता है कि जब ये उठ जाएगी तो मेरी सारी पोल खोल देगी, तो जैसे ही मैं उठती हूँ उनको देखती हूँ तो वो बहुत घबरा जाती हैं और वो उठ के जाने लगती हैं। और जैसे ही वो जाती हैं मैं पीछे से आवाज़ लगाती हूँ, रुको। बहुत घबरा जाती। सब लोग बहुत खुश हैं कि मैं होश में आ गई, लेकिन मैं पीछे से जाती हूँ और उनको हक कर लेती पीछे से और बोलती माँ। अब आगे क्या क्या होने वाला है सीरियल में? लाइफ में फाल्गुनी का प्यार है ही नहीं। तो जब भी थोड़ा सा भी प्यार होता है इनके बीच में कुछ ना कुछ हो जाता है। तो हाँ, इस बार यही है। अभी देखते हैं वो कैसे केयर करते हैं फाल्गुनी की, क्योंकि अभी फाल्गुनी सिर्फ उत्तरा देवी को पसंद करती है और उत्तरा देवी को माँ समझती है। और ये दोनों आते हैं मुझे कहने के लिए कि क्या हुआ आपको ये, तो मैं झटक देती हूँ उनको, बोलती दूर रहो मुझसे, गंदे बच्चे हो तुम, दूर रहो मुझसे। अच्छा, दोनों को पसंद ही नहीं कर रही हूँ मैं। बोल, अब ये सब फाल्गुनी वाकई में कर रही है या इसके पीछे ऐसी कोई चाल है, जानने के लिए सीरियल जीजी माँ देखते रहिए। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए माया हुई कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।